ये देखो माँ जी की नई कठपुतली और इस घर की चलती फिरती मूर्ति फिर से टकरा गई। मैं तो सोच रही हूँ इस बेचारे के लिए कोई डंडा ही ऑर्डर कर देती हूँ, कम से कम ठीक से चल फिर तो सकेगी। अरे मोरी मैया, अब तुम घूंघट में चावल भी बिनोगी? अब क्या कंकड़ पत्थर खिलाने की इरादा है क्या? 4 मीटर के घूंघट में कुछ दिखाई दे रहा है या फिर बस ऐसे चावल को इधर उधर किया जा रही हो? दिखाई दे रहा है दीदी। तुम रहने दो कठपुतली, वरना 4 गाली मैं ही इनसे सुन लूंगी। लाओ इधर दो। अरे अरे अरे, अब तो यही करना पड़ेगा ससुराल में। अरे इस घर की चलती फिरती कठपुतली, अब तुम क्या खाना पीना भी घूंघटे के अंदर ही करोगी क्या? अरे अब तुम ये 4 मीटर घूंघट ओढ़ने का ड्रामा बंद करो। Part 2 के लिए कमेंट करें। अरे मोरी मैया। अरे दीदी लग गई। अब तुम ये 4 मीटर का घूंघट ओढ़ के पूरे घर में टहलोगी तो लगेगा ही, गिरोगी ही। पहले तो तुम ये 4 मीटर का घूंघट ऊपर करो। समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बात सुनती भी हो या नहीं। बहुत ज्यादा लग गई है क्या? हाँ दीदी बहुत जोर से लगी है, दुख रहा है। अब ये तो लगना ही था। किसने बोला था तुमको इतना लंबा लंबा घूंघट लेने के लिए? अब हम क्या करें दीदी, मेरी मम्मी ने यही सिखाया था कि ससुराल में लंबा लंबा घूंघट लेके घूमना। ये मम्मी मम्मी का छोड़ो तुम। पर दीदी सासू माँ भी तो। जब तुमको 4 महीने बाद अपनी औकात दिखानी है तो तुम 2 महीने ये सासू माँ के सामने काहे कठपुतली बनने का नाटक कर रही हो? नहीं दीदी ऐसा नहीं है। चुप करो तुम। जब मैं भी नई आई थी ना तो मैं भी ये 4 मीटर का घूंघट लेके पूरे घर में टहलती थी, लेकिन लास्ट में तो ससुराल वालों का ताना ही सुनना पड़ता था। अब इससे पहले इस घर वाले तुम्हें और कठपुतली की तरह नचाए, शादी के सदमे से बाहर आओ। जी दीदी। घूंघट उड़ाओ, घूंघट उड़ाओ, घूंघट उड़ाओ, घूंघट उड़ाओ। Part 3 के लिए कमेंट करें। अरे वो देवरानी जी, हे भगवान, ये क्या तुम बर्तन भी घूंघट में ही धो रही हो? अरे वो दीदी वो। अब ये वो क्या कर रही हो? तभी तो कल रात ये कह ही रहे थे कि पानी के ग्लास से भी साबुन का स्मेल आ रहा है। पर दीदी मैं ठीक से धोती हूँ। क्या ठीक से धो रही हो? अब घूंघट में धोगी तो थोड़ा बहुत तो साबुन लगा ही रह जाता है। वो तो है दीदी। तुम्हारे चक्कर में ना सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तुम रहने दो। नहीं दीदी मैं धो लूंगी, आप जाइए। ठीक है इस बार अच्छे से करना। जी दीदी। सासू माँ ने देख लिया तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। इतना सारा काम पड़ा है, पहले नहा लेती हूँ फिर बाकी का काम करूंगी। हे भगवान। Part 4 के लिए कमेंट करें। हे भगवान, ये कठपुतली कभी नहीं सुधरने वाली। अब तुम क्या अपने कमरे में भी घूंघट में ही रहोगी? एक काम बोलो तो 4 काम पहले ही बढ़ा देती है। वो दीदी मैं नहाने जा रही थी। अब क्या घूंघट में नहाने भी जाओगी क्या? नहीं दीदी। ठीक है जल्दी जाओ नहा कर आओ, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। देवरानी जी आपको कुछ? हे भगवान, ये औरत सोती भी घूंघट में है। अच्छा सुनो देवरानी जी, काम खत्म करके कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी दीदी। आओ देवरानी जी आओ बैठो। एक बात बताओ, उस दिन मैंने तुमको कितना समझाया था, मेरी बात तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं घुसी? वो दीदी। ये वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम किसके कहने पर तुम कठपुतली बन के पूरे घर में टहल रही हो? दीदी माँ जी ने बोला है। अरे ये माँ जी वाजी को साइड हटाओ, पता नहीं बुढ़िया कब टपक जाए। और तुमको रहना किसके साथ है? मेरे साथ ना, तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा तुम करो। ठीक है तो सबसे पहले तुम ये घूंघट, ये लंबा घूंघट ऊपर करो। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, अब तुम कसम खाओ अपने माँ बाप की कि दोबारा इस घर में कभी घूंघट ओढ़ के नहीं घूमोगी। अपने मम्मी पापा की कसम दीदी, आज के बाद मैं ये घूंघट लेके कभी इस घर में नहीं घूमूंगी। और हाँ, हमारी डील हुई है ना कि जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम रहोगी इस घर में। ठीक है, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहना चाहिए, घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं चलना चाहिए। जी दीदी। और मुझसे चालाकी की ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि जेठानी कैसी होती है। ठीक है अब जाओ तुम। अब तो इसे मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी। Part 6 देखने के लिए कमेंट करें।